बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डीके फूड रेसिपी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी में हम एक सॉस बनाने वाले हैं जिसका नाम है सालसा सॉस। एक तो इसका जायका बहुत मज़े का है और दूसरा ये हर खाने को, चाहे वो हेल्दी हो हार्ड हो, उसको आसानी से हज़म कर देती है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए रेसिपी हमने आपकी स्क्रीन पर लिख दी है, इसको आप नोट कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले इस रेसिपी में हमारे पास तमाम वेजिटेबल्स की जो कटिंग होगी वो चॉप्ड होगी। इसमें हमने एक बाउल में सबसे पहले वाइट ऑनियन चॉप्ड कटिंग में एक कप ऐड कर दिया है। सेकेंड, इसमें हमने कोकम्बर 1 कप ऐड करना है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास टोमेटो 1 कप चॉप्ड कटिंग में। चौथे नंबर पर कैरेट यानी कि गाजर हमारे पास 1 कप है पड़ी। 1/2 कप हमने इसमें ग्रीन कोरिएंडर यानी कि सब्ज़ धनिया ऐड करना है। उसके बाद हमने 1 कप केचप, टोमेटो केचप का ऐड किया। टोमेटो केचप के बाद वाइट वेनेगर 4 टेबलस्पून वो ऐड करेंगे। आप इसमें 3 टेबलस्पून भी वेनेगर ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये नुकसानदेह नहीं है, ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। और इसके बाद हमारे पास सोया सॉस है, सोया सॉस भी हम इसमें 4 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, ये 4। अब हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून सॉल्ट। उसके बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद लास्ट में हमारे पास रेड क्रश चिली है, वो 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड करके अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी सालसा सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी खाने के साथ, लंच है या ब्रेकफास्ट, इसको आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बता दिया करें कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है कि नहीं। अगर आपके माइंड में कोई भी रेसिपी है जो आपको नहीं बनाना आती तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो भी बना देंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।